बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 2 कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब होता है सुकून और मोशन हरकत को कहते हैं। कुरान जिद में अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक चल रहा है एक वक्त से मुकर्रर तक के लिए। तो हमारी ज़िंदगी भी चल रही है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। और वो डायरेक्शन कैसे सही हो सकती है? हम अल्लाह से हर नमाज में दुआ मांगते हैं सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ चला। तो सीधा रास्ता जो है वो हमें कुरान मजीद पढ़कर पता चलता है। अल्लाह ने खुद फरमाया ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्लो फिक्र रखने वाले इसे सबक लें। प्यारे बच्चों, तर्जमे के साथ सोच समझ कर कुरान जीत को पढ़ना शुरू करें। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हम टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, वो टर्म्स जो के मोशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टर्म समझने की कोशिश करेंगे वो है पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये लफ्ज़ बार बार आएगा। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स लोकेशन रेलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, द रेफरेंस पॉइंट। किसी चीज़ की पोजीशन उसकी लोकेशन किसी और चीज़ की मुनासबत से होती है, यानी रेफरेंस पॉइंट से। एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, यानी उससे उसका मुवाजना करते हैं, और फिर आप जिस चीज़ की पोजीशन वाज़े करनी होती है उसको बताते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका स्कूल है और आपका घर है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आप अपने स्कूल की पोजीशन बयान करना चाहते हैं अपने घर से, ठीक है? आप रोज़ अपने घर से स्कूल जाते हैं। तो हम इस एग्जांपल में जो स्कूल है उसको एस देते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं, और होम को एच से। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड द होम बाय एच। हमने एच जो है वो होम के लिए यूज़ किया और एस सिंबल जो है वो स्कूल के लिए इस्तेमाल किया। तो अब हम होम और द पोजीशन ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस। हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाई फ्रॉम होम टू स्कूल, और होम से स्कूल की डायरेक्शन शो करने के लिए एरो लगाया जो कि एच एस है, और डायरेक्शन भी इससे पता चल रही है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये है योर पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। दूसरी जो टर्म हम आज करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये लफ्ज़ भी बार बार आते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आज थोड़ा सा ज़्यादा तफसील के इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आर डिस्टेंस। तो ये आपके सामने एक कर्व्ड पाथ है, फिगर शोज अ कर्व्ड पाथ। ये लहर, ये दार है, खमदार है। आप इस कर्व्ड पाथ के ऊपर जो लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ, हमने एस जो है वो लगाया इसकी लंबाई बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन इट। इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और उनके दरमियान जो रास्ते की खमदार रास्ते की लंबाई है वो है S। तो ये जो है S इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट्स A और B के दरमियान जो फासला है वो S है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो इसको डिस्टेंस डी द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इफ़ एन ऑब्जेक्ट
path is straight, the distance is the length of the straight line between start and finish. शुरू और इख्तिताम के दरमियान जो रास्ता है वो डिस्टेंस है. अगर वो कर्व्ड है पाथ, तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ. इफ़ यू आर टू स्ट्रेट इट आउट एंड मेयर इट द वे यू वुड मेयर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड शू लेस. जैसे आप अपने एक कस्बे को सीधा करते हैं और उसे मापते हैं, इस तरह हम इस खमदार पाथ को मापेंगे. ज्वाइन पॉइंट्स ए एंड बी बाई स्ट्रेट लाइन. अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हम ए और बी दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं. द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी. स्ट्रेट लाइन जो है उससे हमें कम से कम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मिल जाता है ए एंड बी. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. आप देखें कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमें डायरेक्शन भी दे रहा है और इससे हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है. तो वो चीज़ जो डायरेक्शन भी दे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यानी जब इसमें डायरेक्शन ऐड हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ एक ही जितनी होगी, लेकिन इन केस ऑफ कर्व्ड पाथ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड इट विल बी द शॉर्टेस्ट. कम से कम डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए डायरेक्शन भी आ जाए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर दैट पॉइंट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड दैट इक्वल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. इन SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. तो शुरू से जहाँ पे उसका इख्तिताम होता है सबसे कम फासला उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम वन इनिशियल पॉइंट टू फिनिश पॉइंट. तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी सबक की. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.